जेके ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर जीतू भाई शाह, श्री उपल शाह, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री नरेंद्र मोहन, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज श्री प्रकाश नाइकवाड़े, शुगर कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर शेखर गायकवाड़, मिस्टर विजय निरानी एमडी एमआरएन ग्रुप कर्नाटका, सभी सम्मानीय अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं इसलिए देता हूं कि यह साल काफी कुछ दिनों के बाद शुगर इंडस्ट्री के लिए अच्छा साल रहा है, क्योंकि इस साल काफी बड़े प्रमाण पर शुगर इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट भी किया है और इंटरनेशनल मार्केट में विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडी काफी एक्सपोर्ट होने के कारण शुगर मिल की हालत भी काफी ठीक है। पर निश्चित रूप से ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि ये जो साल हमको अच्छा मिला है इसका कारण ब्राजील में ड्रॉट था, इसके कारण हम इस साल अच्छी तरीके से शुगर मार्केट कर सके। पर स्वाभाविक हिंदुस्तान में शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इसलिए आने वाले समय में इसी प्रकार की परिस्थिति होगी ऐसी संभावना नहीं है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से शुगर को कम करना और इथेनॉल में शुगर को कन्वर्ट करना, इसके सिवा कोई इलाज नहीं है और हमें बहुत तेजी से उसके ओर बढ़ना पड़ेगा। यही हमारे परिस्थिति पर सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है। अभी हमारे देश में टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट 8 लाख करोड़ का है और आने वाले 5 साल में ये 25 लाख करोड़ का होने की संभावना है। अगर सोचा जाए तो हमारे इकोनॉमी में 25 लाख करोड़ अगर ये इंपोर्ट हो जाएगा तो हमारे लिए आर्थिक संकट भी खड़ा होगा, और दूसरी ओर इतने बड़े प्रमाण पर ये जो फॉसिल फ्यूल हमारे आएगी उसके प्रदूषण के कारण नई समस्या खड़ी होगी, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस, यही सॉल्यूशन हमको निकलना होगा। क्योंकि व्हीकुलर पोल्यूशन ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है और डीजल तो बहुत ही हजार्डस है। दिल्ली की परिस्थिति आप सबको पता है कि दिल्ली में किस प्रकार से पोल्यूशन है, जिसके कारण कितनी गंभीर समस्याएं खड़ी हुई है। हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है इसमें भी ये पोल्यूशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए आने वाले समय में हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, और इथेनॉल ये क्लीन और ग्रीन फ्यूल है, और स्वाभाविक रूप से आज आप सबके सहयोग से करीब 465 करोड़ लीटर इथेनॉल की निर्मित होती है। पर जहाँ तक E20 का जो प्रोग्राम है वो जब पूरा होगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी रिक्वायरमेंट करीब 1500 करोड़ लीटर तक होगी, और इसके साथ साथ अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने फ्लेक्स इंजन के बारे में एडवाइजरी इशू की है, और टोयोटो, हुंडई और सुजुकी इन तीन कंपनियों ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ, ये मेरे अंडर ही आता है, तो उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हम 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन लाएंगे। अभी 3-4 दिन पहले मेरे घर पर टोयोटो के चेयरमैन भी आए थे, जापान से भी आए थे और इंडिया के भी चेयरमैन आए थे, तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कार हमने लॉन्च की पायलट प्रोजेक्ट करके। तब उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी जो कार है वो फ्लेक्स है, यानी आइदर 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल, और उसमें एक उनका केमरी का एक मॉडल था जो 40% कार चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती थी। तो आने वाली टोयोटो की कार ऐसी होगी जो फ्लेक्स इंजन पर होगी, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे होगी, तो 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी
और 100% इथेनॉल यूज करके वो कार 60% चलेगी, तो उसका इकोनॉमिक्स आप समझ लीजिए कि पेट्रोल की तुलना में कितना एडवांटेजेस है। और इसलिए अब इथेनॉल की तरफ बढ़ने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि अब इथेनॉल के पंप बायोफ्यूल की जो फ्यूल्स है उसके लिए आउटलेट खोलने के लिए अनुमति देने का निर्णय किया है। पुणे में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 पंप का उद्घाटन भी किया है, पर अभी तक उसमें इथेनॉल भरने के लिए कोई आए नहीं। इसका कारण यह है कि अभी हमारे 2-व्हीलर सेक्शन में विशेष रूप से बजाज ने उनकी मोटरसाइकिल फ्लेक्स इंजन पे तैयार की है, TVS ने भी तैयार की है, और दोनों की मोटरसाइकिल लॉन्च करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अब हीरो ने भी तैयार की है, उस दिन मेरे घर पर आए थे, उन्होंने भी तैयार की है। तो स्कूटर्स जो है, स्कूटर और मोटरसाइकिल, ये फ्लेक्स इंजन पर अवेलेबल है। ऑटो रिक्शा भी देने के लिए वो तैयार है। वही बात आती है कि वो बोलते हैं पहले पंप चाहिए, पंप वाले बोलते हैं पहले गाड़ी चाहिए। तो मुझे लगता है इसी में पहली बार आज ऑटो रिक्शा भी अवेलेबल हो सकती है, स्कूटर्स भी अवेलेबल हो सकती है और कार भी अवेलेबल हो सकती है। तो मेरा सबसे पहले अनुरोध शुगर फैक्ट्रीज वाले जो है, जिनको इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने कारखाने पर और अपने एरिया में इथेनॉल के पंप तुरंत खोलें, और इथेनॉल के पंप खोलने के बाद अगर वो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार 100% इथेनॉल पर चालू होगी तो इथेनॉल का कंजम्पशन आप ही कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़े प्रमाण में इथेनॉल पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में सेल होगा, और जिसके कारण आपको काफ़ी फायदा भी होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, हमारा इम्पोर्ट भी कम होगा और गांव के लोगों को रोजगार भी निर्माण होगा। और इसलिए मेरा अनुरोध है कि शुगर फैक्ट्रीज इथेनॉल का पंप अभी शुरू करने के लिए इंटरेस्ट ले। इसके बारे में अगर कोई अड़चन आती है तो ज़रूर मुझे मिलिए, क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी पेट्रोलियम मंत्री जी के साथ लगातार चर्चा में हूँ। और इसलिए ये शुरू करने से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर तुरंत अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में अलग अलग प्रकार की स्कीम्स है, पर जहाँ तक मेरा अनुमान ये है कि आने वाले 5 साल में जब फ्लेक्स इंजन तैयार होंगे और इथेनॉल के टोटल रिक्वायरमेंट 4,000 करोड़ लीटर होगी, और जब हम लोग सब ताकत लगा के केवल 465 करोड़ लीटर पर है, तो आने वाले समय में इथेनॉल लेंगे नहीं लेंगे, इस प्रकार की चर्चाएं काफ़ी बार होती है, ये अप्रस्तुत है। आप में जितना दम होगा आप तैयार करिए, मुझे नहीं लगता कि इथेनॉल के लिए कोई मार्केट के लिए प्रॉब्लम होगा, इतना इथेनॉल का मार्केट अवेलेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इथेनॉल पर कन्वर्ट नहीं हुए, अगर शुगर बनाते रहोगे, तो फिर से एक बार 2 साल के बाद 25 रुपये किलो भाव आएगा और फिर आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, लॉस मेकिंग हो जाएगा, जो पुराने दिनों में वापस जाओगे। तो शुगर का प्रोडक्शन कम करने के लिए भी हैवी मोलाइसिस में जाना, और शुगर के जूस से सायरप बनाकर उसमें भी इथेनॉल की निर्मित करना, ये वायबल अल्टरनेटिव है। अभी मैं बात कर रहा था कि शुगर केन सायरप जो है उससे इथेनॉल बनाने में भी सक्सेसफुली टेक्नोलॉजी हमारे लोगों ने हासिल की है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से बीएवी मोलाइसिस और शुगर केन सायरप और शुगर केन जूस से भी इथेनॉल, ये तीनों अल्टरनेटिव हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। पर शुगर बनाने का मोह अगर आप चालू रखोगे और शुगर ही बनाते रहोगे तो इस साल अच्छा चलेगा, पर इसी प्रकार से अगर आपका शुगर प्रोडक्शन का मोह चलता रहेगा तो अगले 2 साल में फिर से एक बार पूरी इंडस्ट्री बहुत कठिनाइयों का सामना कर कर एक बर्बादी के कगार पर खड़ी होगी। क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, गेहूँ सरप्लस और राइस सरप्लस, आज हमारे पास इतना राइस पड़ा है कि पूरे वर्ल्ड को हम राइस सप्लाई कर सकते हैं, इतना राइस पड़ा है। आज हमारे कॉर्न इतना बड़ा प्रोडक्शन हुआ है कि आज MSP दे दे देते 1.5 लाख करोड़ सरकार ने दिए, पर हम खरीद नहीं पाते, इतना कॉर्न पड़ा हुआ। वीट के बारे में आज भी हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 3 गुना ज़्यादा वीट हमारे गोडाउन में पड़ा है। और शुगर केन का प्रोडक्शन
हमने कितना ही किसानों को समझाया कि कम लगाओ तो भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग मार्गदर्शन करेंगे तो एक बार मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि 189 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे है कि जो शुगर केन फार्मर डोमिनेट करते हैं, और अगर उनको कीमत नहीं मिलेगी तो सरकार हिल सकती है, इतनी ताकत उसमें है। और इसलिए आप कम से कम शुगर प्रोडक्शन को बढ़ाने के मोह को अगर नहीं रोकेंगे तो आने वाले दिन बहुत और ख़राब हो सकते हैं। इसलिए शुगर को प्रोडक्शन को कम करना और इथेनॉल को बढ़ाना, यही हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। और इसलिए अभी सरकार ने कॉर्न, राइस, डैमेज फूड ग्रेन, स्वीट सोरगम, बाजरा, ज्वार, एनी फूड ग्रेन, इनको भी अलाउ किया है। और इसकी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई है, काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका भी रिसर्च हुआ है। तो मेरा आपसे पहले अनुरोध है कि निश्चित रूप से इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाइए और शुगर का कम करिए। शुगर का अगर ठीक रहा तो आपको भाव अच्छा मिलेगा, और शुगर का प्रोडक्शन होगा तो 34-33 रुपये भाव मिलेगा, और शुगर सरप्लस किया तो फिर 24 रुपये और 22 रुपये किलो पे शुगर आएगी। तो फिर आप ही समझ लो, आपको समझ में आता है कि गन्ने का भाव कम करना ना आपके लिए संभव है ना हमारे लिए संभव है, तो फिर आपकी हालत क्या होगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीरियस विषय है और ये भविष्य के लिए आप सब लोगों को इसके लिए सोचना होगा। वैसे राइस, ब्रोकन राइस, ये भी बड़े प्रमाण पर अवेलेबल है, और इसलिए ब्रोकन राइस से भी इथेनॉल बन सकता है। उसका जो बाय प्रोडक्ट है उसकी भी अच्छी कीमत है। तो मुझे आपको यही कहना है कि आप निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके लिए ज़रूर आप सोचिए, क्योंकि WTO के कारण भी ये जो शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए जो सब्सिडी मिलने वाली मिलती है वो हमने अभी प्रॉमिस किया है कि दिसंबर 2023 के बाद वो नहीं दे पाएंगे। और इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की प्राइस 23-24 रुपये किलो होगी और हमारी 32 से कम जा नहीं सकती। और इस समय अगर सब्सिडी नहीं मिलेगी तो हिंदुस्तान में शुगर का आप क्या करोगे, ये आप ही सोच लो। और इसलिए इस इंडस्ट्री ने अपने माइंड सेटअप को इथेनॉल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से जाना चाहिए। और आग्रह से मैं कहूँगा कि हर फैक्ट्री ने बी हेवी मोलाइसिस में ही जाना चाहिए, इससे 2-3% शुगर कम हो जाएगी, वो भी आवश्यक है। क्योंकि शुगर प्रोडक्शन को डिस्करेज करने के बिना हमको शुगर की रिजनेबल प्राइस नहीं मिल पाएगी, और इसलिए निश्चित रूप से BAV मोलाइसिस में मैं जाना ये भी हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि BAV मोलाइसिस का टोटल 245 करोड़ लीटर हमने उसके लिए रिजर्व किया था भारत सरकार ने, केवल 55 करोड़ लीटर ओनली 22% सप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब इसमें भी काफ़ी बड़ी गैप है, 190 करोड़ लीटर और आप दे सकते हैं, जबकि ये 10% के जाने की बात है। जब ये 20% जाएगा तो इससे दुगना होगा। तो स्वाभाविक रूप से ये सेफ वे है जिससे शुगर फैक्ट्री भी बच सकती है और इथेनॉल के कारण हमारा इकोनॉमिक्स भी ठीक होगा। मैं ये मानता हूँ कि जो सी हेवी मोलाइसिस है इसको डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि ये करने से स्वाभाविक रूप से आप शुगर को और ज़्यादा बढ़ाओगे तो तकलीफ होगी। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें भी आप लोग जरूर सोचिए। जहाँ तक एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि मैं आपको ये भी कहूँगा कि अभी हमने इसके साथ काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जो परली करके जलाई जाती है उसको 5 टन ऑफ परली इज़ गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG, और ये भी बायोमास से बायो CNG के बजाय बायो LNG भी तैयार हो सकता है। और बायो CNG और बायो LNG तैयार करने से ये LNG इज़ द फ्यूचर फ्यूल फॉर द कंट्री, फॉर द इवन फॉर ऑल द सेक्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसलिए LNG का इकोनॉमिक्स इतना अच्छा है कि मैं सब ये प्रयोग कर चुका हूँ। मैं हमारे यहाँ हमने एक ट्रक को कन्वर्ट किया तो 8 लाख रुपये उसको लगे, पर वो 8 लाख रुपये का जो खर्चा हुए वो केवल 290 दिन में वो निकल गए पैसे। तो एक ट्रक को कन्वर्ट करने के लिए 8 लाख और वो 290 दिन में निकलते हैं। तो बायोमास का कन्वर्शन बायो CNG और बायो LNG में करना आसान है। तो ये जो बगास है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, ये सब का उपयोग हम लोग बायो CNG के लिए कर सकते हैं। मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर
बायो सीएनजी पे कन्वर्ट किया तो एक ट्रैक्टर के बीच में 1,00,000 रुपए की बचत है। और अब भारत सरकार ने बड़े प्रमाण पर सब जिलों में अभी बायो ये सीएनजी के लिए पाइपलाइन से गैस सप्लाई करने की योजना लाई है, तो सीएनजी के पंप सब जगह खुल रहे हैं, एलएनजी भी अवेलेबल हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग गैस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए पेट्रोल डीजल के बजाय सीएनजी एलएनजी की तरफ सरकार की प्रायोरिटी है। तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में बायोमास का उपयोग बायो सीएनजी और बायो एलएनजी के लिए करना ये भी बहुत उपयोगी होगा। विशेष रूप से आपको पता होगा कि सेकंड जनरेशन इथेनॉल में आसाम पेट्रोलियम में भारत सरकार ने बाम्बू से भी बायो इथेनॉल बनाया है, पर उसकी कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है। पर आने वाले समय में ये भी एक सोर्स है कि जो हमारे लिए मिलेगा वेस्ट लैंड पर बाम्बू लगाकर हम लोग उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अभी पावर कॉरपोरेशन ने, पावर डिपार्टमेंट ने, हमारे एनटीपीसी और भारत महाराष्ट्र सरकार ने भी ऑर्डर निकाला है कि वाइट कोल के रूप में पैलेट को यूज़ करेंगे और 6 रुपीज़ केजी उसका भाव दिया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वेस्ट लैंड पर बाम्बू लगाकर बाम्बू को हम वाइट कोल करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोयले का भाव अब 8,000-7,000 रुपये टन हो गया है। हम इस देश की रिक्वायरमेंट का 25% कोयला इम्पोर्ट कर रहे हैं और इसलिए एनर्जी इम्पोर्ट करने से हमारी पोल्यूशन की भी समस्या है और विशेष रूप से हमारे लिए हमारी इकोनॉमी की भी समस्या है। और इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी आप धीरे धीरे इंडस्ट्री ने सोचना चाहिए। अभी ये भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, कुछ 5-6 दिन पहले मेरे घर पर टोयोटा की 100% ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर की कार लॉन्च हुई पायलट प्रोजेक्ट करके। और इसलिए अब वो दिन दूर नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन भी अवेलेबल होगा, जो हमारे म्यूनिसिपल वेस्ट में जो ग्लास है, प्लास्टिक है और बाकी मटेरियल को निकालकर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका, उससे मीथेन बनाना आसान है बायोडाइजेस्टर में, और उससे CO2 अलग करके आगे जाकर हम उससे ग्रीन हाइड्रोजन भी बना सकते हैं, उससे बायो LNG और बायो CNG भी बना सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए आगे चलकर बगास से ग्रीन हाइड्रोजन तक जाने के लिए भी सोचना होगा। और दूसरी ओर तो सीवेज वाटर है, ये हमारे लिए बहुत इजीली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर परिषद जो है टाउन है वहाँ अवेलेबल है। मैं अपने शहर में 7 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, लोग मुझे हंस रहे थे तब, और हमारे म्यूनिसिपल टाउन का सीवेज वाटर हम महाराष्ट्र सरकार को पावर जनरेशन के लिए बेचते हैं और हमको 325 करोड़ रुपये साल की रॉयल्टी मिलती है सीवेज वाटर बेच के, जो कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। अभी मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये सजेस्ट किया कि और भी वाटर हमारे पास अवेलेबल है, तो उसी वाटर में जो सॉलिड वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करने के लिए हमें एक रूफ टॉप लगेगा, तो रूफ टॉप सोलर का बनाएंगे और उसमें छोटी विंड मिल लगाएंगे और ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने में 70% कॉस्ट पावर की है। और आप में से बहुत से लोग सरकार के पीछे लगे कि हमारी ग्रीन पावर खरीदी करो, अब जिनके MOU ख़त्म हो गए 12 साल के, उनकी पावर लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार में स्वाभाविक रूप से जो पावर है उसका रेट उनको सस्ता चाहिए और उनकी पॉलिसी है कि मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस। तो इसलिए आपकी पावर ग्रीन रिवॉल्यूशन से, ये ग्रीन पावर लेने के लिए कोई सरकार एक तो लेगी नहीं, वैसे एक कानूनन लेना चाहिए पर राज्य सरकार उसमें काफ़ी इप्स एंड बर्स निकालती है, और लेंगे तो अब रेट भी आपको नहीं दे रही, जो भारत सरकार की गाइडलाइन से ग्रीन पावर के लिए उसका रेट अलग है, जो सेंट्रल जो उसका जो ट्रिब्यूनल है उसने दिए हुए, पर यहाँ की राज्य सरकारें दे नहीं रही। अब 4.75 रुपये भाव से ले रही है, अब मुझे पता नहीं कि 4.75 रुपये भाव से अगर सरकार को देने के बजाय इससे अगर आपने ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया तो इलेक्ट्रोलाइजर अब बेंगलोर में बनने लगे हैं। मैं अभी उस फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के लिए जाने वाला था पर कोविड के कारण नहीं जा पाया, हमारे अमेरिका के इंजीनियर्स ने मिलकर बेंगलोर में प्रोडक्शन शुरू किया, अब 90% वो पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो 1.25 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर है और वो पानी से अगर हम लोग सोलर रूप से अगर पावर मिली या 4.75 रुपये यूनिट की पावर, उसका थोड़ा इकोनॉमिक्स देखना पड़ेगा, वो अगर आपने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए अगर यूज़ की तो उसके बाद जनरेटर लगता है, तो
मैंने सजेस्ट किया है कि जनरेटर 100% इथेनॉल पर हो, और वो जनरेटर सेट अगर इथेनॉल पर होगा तो आपको ग्रीन हाइड्रोजन मिलेगा जिसको आप कॉम्प्रेस कर सकेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन भी फ्यूचर का फ्यूल है। अभी मैंने हमारे आईटी मिनिस्टर को कहा है कि जो टावर है टेलीकम्युनिकेशन के, वहाँ सब डीजल जनरेटर है, और किर्लोस्कर और कुछ काफ़ी कंपनियों ने उसके किट ढूंढी है कि जो डायरेक्ट 100% इथेनॉल उसके लिए यूज़ हो सकता है। अब कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र विशेष रूप से और उत्तर प्रदेश, यहाँ बड़े प्रमाण पर इथेनॉल अवेलेबल है, और ये इथेनॉल अगर इस जनरेटर सेट के लिए यूज़ किया जाएगा तो इथेनॉल के जनरेटर से भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर इथेनॉल की खपत बढ़ेगी। जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली मशीनरी है, जो मेरे डिपार्टमेंट में काफ़ी लोगों का उसी के साथ संबंध है, और अभी हमने इतने रोड के काम किए कि इनके मैन्युफैक्चरिंग में 80% राइज हुआ है। तो मैंने उनको सबको बुलाया कि डीजल वाला धंधा बंद करो आप, अगर इसको हम अभी बहुत से कंपनियों ने, अब जेसीबी ने एक हाइब्रिड जेसीबी बनाया जो सीएनजी पर था और डीजल पर था, तो उनको रशिया से काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। तब धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को मैंने कहा कि अगर आपका डीजल इंजन है तो उसको आप पेट्रोल इंजन बनाना तो आसान है उतने कैपेसिटी का, तो वो पेट्रोल का फ्लेक्स बनाइए तो इथेनॉल 100% यूज होगा। तो एक प्रकार से काफ़ी बड़े प्रमाण पर सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इथेनॉल के अलग और कैसे उपयोग हो सकते हैं। ब्राज़ील ने तो इथेनॉल से बायोप्लास्टिक भी बनाया, और वो बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बीच में उसकी भी ट्रायल हिंदुस्तान में हुई थी, और ये पेट्रोलियम प्लास्टिक की तुलना में उसकी कीमत लगभग बराबर थी, पर अब ये पेट्रोल और इसकी जो कीमतें लगातार फ्लक्चुएट होती थी उसके कारण ब्राज़ील की वो इंडस्ट्री अब फिलहाल काम नहीं कर पा रही। मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में इथेनॉल में काफ़ी रिसर्च हो रहा है, और अभी जो ब्राज़ील की कंपनी है एम्ब्रिल जो छोटे जेट बनाती है, उन्होंने ऑलरेडी इसमें काफ़ी काम किया है, और मैंने एक ग्रुप की मीटिंग भी ली है, और हमें कोशिश कर रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में भी इथेनॉल का उपयोग कैसे हो। और इसलिए स्वाभाविक रूप से बीच में स्पाइस जेट का एक प्लेन डेहराडून से हमने दिल्ली लाया था, और उस समय ये जो प्लेन था इसमें 50% बायोफ्यूल यूज हुई थी। तो आने वाले समय में एविएशन में आपको मालूम होगा 2 साल पहले 26 जनवरी को जो हमारे दिल्ली में फाइटर जेट उड़े थे उन सब ने 100% बायो इथेनॉल यूज़ किया था, और चीफ एयरफोर्स के जो चीफ है उनसे साथ और डिफेंस फोर्सेस के साथ भी लगातार मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, और जल्दी ही एविएशन में एयरफोर्स में इथेनॉल का बड़ा खप बढ़ाने के बारे में हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 लाख टेलीकॉम मोबाइल टावर्स जो है, इन टावर्स के लिए अगर हम इथेनॉल यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा इसकी खपत बढ़ेगी। तो इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये थोड़ा बहुत डाउट है, जो बार बार इसका जिक्र करती उसकी चर्चा करना बंद कर दो कि इथेनॉल कौन लेगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा। मुझे ये जो चर्चा ये निरर्थक है। मैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था तब लोग यही बोलते थे चार्जिंग स्टेशन नहीं है, अब इलेक्ट्रिक इतने बड़े प्रमाण पर आई है कि मैंने अभी ये डिक्लेयर किया है कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर पेट्रोलियम कार की कीमत जो है उसी कार में इलेक्ट्रिक कार मिलेगी, ये मैंने विश्वास के साथ बताया, और अब लगभग वो स्थिति आई है। 136% राइज है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और अभी मेरा अंदाज बस में 1200% है, अभी 500-500 हमारे यहाँ नागपुर। में 200, मुंबई में 500 बसेस, पुणे में बसेस आ रही है, अब सब जगह इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है, लग्जरी बसेस आ रही है, और इसलिए आने वाले समय में हमें किसी भी प्रकार से इंपोर्ट को कम करना होगा। और एक बात ये भी मन में आती है, फिर इलेक्ट्रिक आएगी तो इथेनॉल का क्या होगा, आप चिंता मत करिए, हिंदुस्तान का 2 बातों में रिकॉर्ड है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने में और दूसरा व्हीकल नंबर बढ़ाने में। व्हीकल पॉपुलेशन
और जनसंख्या दोनों बढ़ाने में हिंदुस्तान की जनता का विक्रम हर समय वर्ल्ड में पहले नंबर पर रहने वाला है, आप चिंता मत करो। और इसलिए इथेनॉल कितना भी तैयार होगा तो भी पेट्रोल व्हीकल रहने वाले, डीजल व्हीकल रहने वाले, ये सब चलने वाला है। अभी ARI ने और एक रिपोर्ट भेजी है कि डीजल में भी 15% इथेनॉल डालना, ये भी अभी इसके भी ट्रायल शुरू है, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोसीएनजी। बायोएलएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारी फ्यूचर है। और हम लोग एनर्जी इंपोर्ट करने वाले नहीं, हमें एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है। और किसानों को केवल अन्नदाता नहीं कहना है तो किसानों को ऊर्जादाता बनाना है, क्योंकि अन्नदाता बनकर किसान की गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। अब अन्न बहुत सरप्लस हुआ है, अब ऊर्जा जो है उसमें हमारा शॉर्टेज है। अब किसानों को ऊर्जादाता बनाना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर इज द नीड ऑफ द आवर। और यही बात को अगर शुगर फैक्ट्रीज वाले और गंभीरता से लेंगे तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। और इसलिए फिर से एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि शुगर प्रोडक्शन को कम करो। शुगर प्रोडक्शन अगर ऐसे ही बढ़ाते रहोगे तो आपके हाल ऐसे हो जाएंगे कि आप पहचानने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि आपको इस बात के संकट को शायद अभी भी शुगर फैक्ट्री को लग रहा कोई सरकार आएगी, हमारी ताकत नहीं है, हम सब्सिडी देना चाहते तो भी दे नहीं पाएंगे। और जब 32 रुपए किलो आपका मिनिमम रेट होगा और इंटरनेशनल प्राइस 25 रुपए होगी, तब आपके सरप्लस शुगर का क्या करोगे? गोडाउन में रखोगे, बैंक का ब्याज भरोगे, साल भर भरते भरते ब्याज में लॉस हो जाएगा और दिवाला पिटने की स्थिति में आएगा। ये मैं बहुत गंभीरता से आपको बता रहा हूँ। और इसलिए BAB मोलाइसिस मैंडेटरी जाओ, शुगर को कम करो। इस साल भी शुगर के रिकॉर्ड है, अभी ये महाराष्ट्र के हमारे शुगर डायरेक्टर बैठे, मुझे पता नहीं कि इस बार पूरे गन्ने का क्रशिंग करना इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि शुगर लोगों को बाकी कोई क्रॉप्स में इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। जो शुगर में प्रोडक्शन मिलता है, शुगर केन में जो कमाई होती है, वो बाकी क्रॉप्स में नहीं है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में क्रॉप पैटर्न के बारे में किसानों को सोचना होगा कि शॉर्टेज किसका है और सरप्लस क्या है। हम तेल बिया में शॉर्टेज है, 1,40,000 करोड़ का एडिबल ऑयल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सूर्यफूल हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, जो जो एडिबल ऑयल सीड है, अभी राइस ब्रांड तेल भी बड़े प्रमाण पर हो रहा है, हमें खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। और इसलिए शुगर केन के बीच में अगर हम तेल बिया लगा सकेंगे तो वो भी अच्छी बात होगी। हम पाम ऑयल के लिए भी अभी पाम के लिए बड़े प्रमाण पर प्लांटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में वर्ल्ड की को ध्यान में लेते हुए ग्लोबल इकोनॉमी का अध्ययन करते हुए किसानों को चलना होगा और आपको उसी प्रकार से उनको गाइड करना होगा। और इथेनॉल में बहुत बड़ी क्षमता है, अभी अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले 8-10 साल कोई कमी है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस परिस्थिति का विचार करते हुए हम सबको अपनी नीतियों को तय करना होगा। और इसलिए आप सब लोग यहाँ 2 दिन से विचार भी कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, नए नए रिसर्च भी आ रहे हैं। और एक बात मैं अक्सर 2 चीज़ें बार बार कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। और दूसरी बात मैं अक्सर दोहराते रहता हूँ कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ एप्रोप्रिएट लीडरशिप that you can convert waste into wealth. Aur isliye by using biotechnology we need to generate biomass, and by generating biomass we need to transform into biofuel, either it is bio LNG, bio CNG or bioethanol. Aur mujhe lagta hai ye bahut badi hamare paas requirement hai. Aur pollution ke liye bhi hame avashyak hai, kyunki sound pollution, air pollution और वाटर पोल्यूशन, ये 3 बहुत गंभीर समस्या है और इसमें भी संभव है।
मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने मथुरा में एक प्रोजेक्ट बनाया हाइब्रिड एन्यूटी में। मथुरा का 90 MLD स्लज हमने लेकर उसको साफ किया और उसमें 40% गवर्नमेंट से दिए, 60% त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने इन्वेस्ट किए और उस स्लज से पानी निकाला और इंडियन ऑयल उसको खरीद रहा है 20 करोड़ साल के दे रहा है और उसके ऊपर प्रोजेक्ट वायबल हुआ। तो गंगा में इतने बड़े गंदे पानी आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ इससे मीथेन निकालो। और मीथेन निकालकर उससे बायो CNG बायो LNG बनाओ, अब उससे ग्रीन हाइड्रोजन बन सकता है। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी बहुत प्रावण में अवेलेबल है और आप लोग भी रिसर्च कर रहे हो और यहाँ भी 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में काफ़ी टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन भी हुआ है और हिंदुस्तान इसमें आगे है। ब्राज़ील ने जरूर इसमें काफ़ी सफलता हासिल की है। कनाडा, ब्राज़ील और USA में फ्लेक्स इंजन कॉमन है। जब ये BMW, मर्सिडीज और टोयोटो, हुंडई सबके MD को मैंने बुलाया था, मैंने कहा जो ब्राज़ील में तुम्हारी गाड़ी अब फ्लेक्स इंजन है तो इंडिया में क्यों नहीं बन सकती। और मुझे विश्वास है कि अब सब लोग बनाने के लिए तैयार हो गए और इसलिए आने वाले समय में हमारी स्कूटर, हमारी ऑटो रिक्शा, हमारी 4-व्हीलर सब अगर वो अवेलेबल हो जाएंगे और इथेनॉल पेट्रोल के बजाय अल्टरनेटिव होगा, डीजल में भी जाएगा, उसके साथ जनरेटर के लिए भी जाएगा, तो आने वाले समय में इथेनॉल का यूज़ और बढ़ाने के लिए, एनर्जी के लिए हम और सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको उस दिशा में आगे जाना होगा और ये कॉन्फ्रेंस आपको निश्चित रूप से उसकी दिशा देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर दिस इंसाइटफुल एड्रेस। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद यू। जब कोविड टाइम्स के दौरान जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, उसी वक्त ये जो शुगर मिल है, इस शुगर मिल के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था और इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन ऑनलाइन किया गया था श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा।